यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है, 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी तो ऐसे ही सर्वे जिनके नहीं हुए। इससे पहले आपको हटा रहे थे? हाँ है ना, फिर वो तो ठीक हो गया? हाँ, अभी तो रुका हुआ, नहीं तो आए दिन लग जाता है नोटिस। किसी टाइम डर लगा रहता है, किसी टाइम नोटिस लगा देते हैं आके हम लोग को बार बार मत जाना है, पढ़ाई लिखाई का दिक्कत है, शौचालय। अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम है, आधे में लगाए आधे में लगी नहीं लाइट। हम लोग के इधर मीटर भी नहीं लगाया सर जी, बच्चे का कोई साधन नहीं है। जब आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रही है। स्कूल कहाँ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल पार करके सर जाते हैं। कैसा है स्कूल? कोई चीज का साधन नहीं है। देखो शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, तो उसमें भी सफाई नहीं होता है, 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे डब्बा लेके भागना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है, पानी हम लोग का एक भी नलका नहीं दिया है। बहुत दिक्कत होता है सर जी, एक टंकर देता है उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं, 24 घंटा में 1 घंटा पानी आता है। महंगाई इतना है, ज्यादा सिलेंडर कर दिया है, 1200-1200 रुपए सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं, फिर भी सिलेंडर हमारा 1 महीना नहीं चल पाता है। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता सिलेंडर, वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से, तो टाइम टेंशन में रहती है कब निकाल देंगे यहाँ से। काम करने जाओ, पीछे से अल्लाह हो जाता है, बुलडोजर आ गया, काम छोड़ के भागना पड़ता है, दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को, बहुत परेशान। आप लेबर का काम करते हो क्या? नहीं, सब सफाई कोठी में काम करते, सब कोठी में। तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हो गए तो हमारे पैसे नहीं बढ़ते, हम आपको कहाँ से बढ़ाएंगे, इतनी महंगाई हम कहाँ से चलेंगे। ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं, कितना भागेंगे।